हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैंने एक रोड मैप तैयार किया है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग, जो कि मैं कॉलेज डेज में फॉलो करता था इस सब चीज़ों को एंड अभी भी फॉलो करता हूँ। तो मुझे लगा कि एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए जिससे मेरे जो भी फ्रेंड्स लोग हैं उनको हेल्पफुल मिले, अगर वह कॉलेज में हैं या अभी स्टार्ट करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था जब मैं कॉलेज में था कि कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए जिससे हमारी जो कोडिंग है वो स्ट्रांग हो एंड हमारी जो नॉलेज है रिगार्डिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रिगार्डिंग वो हमें पता चले कि क्या क्या चीज़ें हमें याद होनी चाहिए जिससे हमारा प्लेसमेंट हो जाए अच्छी कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या सर्विस बेस्ड कंपनी में। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आप बेटर हो पाए। और भी तो दोस्तों, मैंने लैंग्वेज में C++ को सिलेक्ट किया था क्योंकि आपका इजी टू अंडरस्टैंड है, आपके बेसिक्स को क्लियर करता है। अगर आप कहीं प्लेसमेंट में जाते हैं या ऑफ कैंपस हो या ऑनलाइन हो, तो आपको कभी कभी ऐसा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है कि आपको एडिटर नहीं मिलते हैं आपको। जैसे आप जावा के ढूंढ लेंगे तो जावा का तो मिल सकते हैं, बट पाइथन के एडिटर नहीं मिलेंगे आपको। एंड आपका अगर पाइथन में कोडिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट कर पाएंगे। तो इसलिए C++ इज़ बेटर बिकॉज आपको कहीं भी डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। देन कॉम्प्लेक्सिटी में आते हैं, तो मैंने बिगो नोटेशन ही पढ़ा था क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एंड सर्विस बेस्ड कंपनी में यही सब पूछे जाते हैं। एंड उसमें भी मैंने बहुत डिफरेंट टाइप के भी पढ़े थे, जो भी है कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लॉगरिदम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब पूछे जाते हैं बेसिक जो आपके जो भी इंटरव्यू वगैरह में होंगे। तो देन एरे के लिए मैंने सिंपल बेसिक पढ़ा है एरे के लिए कि एरे क्या चीज़ होता है एंड कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। देन मैंने कोडिंग के लिए पहला ग्राउंड लेवल मीन्स बेसिक लेवल पे मैंने तैयार किया कि गिग्स हो गिग्स, क्योंकि उनके लैंग्वेज जो होते हैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हुए, तो वहाँ से मैंने कुछ प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं वो अपने से ट्राई किया, मैंने प्रैक्टिस किया। देन उसके बाद मैंने एडवांस लेवल पर शिफ्ट किया, तो आपका टॉप फ्लोर मीन्स एडवांस लेवल, तो मुझे इंटरव्यू बिट मिला, वेबसाइट एंड लीथ कोड मिला, जो कि बहुत हेल्पफुल थे, जहाँ से मैं प्रैक्टिस कर पा रहा था एंड उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा था। कुछ कुछ बहुत सारे टफ भी थे, तो फिर भी मैं उसे सॉल्व कर पा रहा था उस चीज़ को। देन स्ट्रिंग सेक्शन में आएंगे, तो उसमें आपको क्या करना है प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करने से पहले बेसिक जान लेना कि स्ट्रिंग होता क्या है एंड क्या वर्क करता है। देन ग्राउंड लेवल के लिए आपके लिए बेस्ट होगा इंटरव्यू बिट, वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है इजिली। देन आप अगर एडवांस लेवल पर जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा लीड कोड एंड हैकर रैंक, एंड मैंने यहाँ पर लिंक भी प्रोवाइड किए हैं जिससे आप उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देन लिंक लिस्ट में मैंने बेसिक लिंक लिस्ट पढ़ा था कि क्या करते हैं लिंक लिस्ट एंड कैसे वर्क करता है, किस लिए काम आता है लिंक लिस्ट। देन ग्राउंड लेवल के लिए मैंने इंटरव्यू बिट प्रेफर किया था कुछ नॉर्मल प्रोग्राम्स के लिए जहाँ वो यूज़ होते हैं। देन एडवांस के लिए मैंने लीड कोड एंड गिग्स और गिग्स के प्रोग्राम्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया था। देन स्टैक एंड क्यू में मैंने बेसिक स्टैक एंड क्यू पढ़ा सिर्फ, एंड ग्राउंड लेवल के लिए मैंने इंटरव्यू बिट प्रेफर किया। देन एडवांस में गया तो मैंने बहुत सारे वेबसाइट मुझे मिले, जैसे लीड कोड है एंड उसमें लीड कोड में मैंने स्टैक मुझे अच्छा लगा, वहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया एंड लीड कोड क्यू भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, गिग्स और गिग्स भी अच्छा था उनका, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रेफर किया उसका डॉक्यूमेंट। देन ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर के लिए मैंने रेफर किया, बेसिकली वो मैंने पढ़ा कि ट्री क्या होता है। देन उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ ट्री में देखा कि क्या चीज़ें होती हैं। देन ग्राउंड लेवल के लिए मैंने इंटरव्यू बिट रेफर किया ट्री के लिए, एंड हिप एंड मैप्स के लिए भी मैंने इंटरव्यू बिट ही रेफर किया, हैशिंग भी मैंने इंटरव्यू बिट से ही लिया, तो आपको लिंक वगैरह मिल सकते हैं यहाँ से जो आप रेफर कर सकते हैं। देन एडवांस लेवल के लिए मैंने लीड कोड ही रेफर किया क्योंकि उनके कोड थोड़ा सा टफ थे एंड नॉलेजेबल भी थे इसलिए, तो इसमें आपको ट्री वगैरह मिल जाएगा, हीप्स का मिल जाएगा, ट्राई का मिल जाएगा एंड हैश टेबल आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। ग्राफ्स के लिए मैंने सिर्फ बेसिक पढ़ा ग्राफ्स की क्या होता है, एंड ग्राउंड लेवल के लिए मैंने लीड कोड ही रेफर किया, एंड जो एडवांस लेवल है उसके लिए इंटरव्यू बिट ही एनएफ है आपके लिए। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपके लिए बेसिक आपको पढ़ लेना कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। देन आप ग्राउंड लेवल पे शिफ्ट करेंगे तो आपको उनके लेक्चर्स मिलेंगे, मैंने कुछ कुछ लेक्चर फाइंड आउट किए हैं जो कि आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा, ईजी वे में वो एक्सप्लेन किए हैं, तो मैंने ये कुछ लेवल्स में डिवाइड कर दिए हैं 1, 2, 3, 4 up to 7। देन टॉप लेवल में जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा कोडिंग वगैरह किस तरह से करनी है, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा इंटरव्यू बिट एंड लीड कोड होगा, जो कि एनफ रहेगा आपके लिए। तो ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, मेरे लिए तो ये सब हेल्पफुल रही है सब चीज़ें, तो मैं सोचा आपको शेयर कर देता हूँ जिससे आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा अगर आप कॉलेज में हैं एंड बिगनर हैं एंड प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से। तो